हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये ब्राइडल आई मेकअप ट्यूटोरियल। आप इस लुक को किसी भी ब्राइड्स पे या किसी भी हैवी फंक्शंस में भी आप इस लुक को आराम से क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी इजी है, दिखने में काफ़ी ग्लैम मेकअप है। तो अगर आप इंटरेस्ट हो इस लुक को देखने में कि मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लुक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई शेडो के लिए SFR हेटेड आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। इसमें से ये मैंने ब्राउन शेड को लिया है और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने क्रीज एरिया पे मैं इस तरीके से आई शेडो को अप्लाई करूँगी। इस शेप में आपको अप्लाई करना है, कट क्रीज के शेप में। उसके बाद ये मैंने ब्राउन और येल्लो शेड दोनों शेड को साथ में लेके मैं अपने जो ब्राउन शेड जो अप्लाई किया था उसके एज को मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट दिखे और जो भी हार्शनेस थी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अच्छे से आप ब्लेंड कर लो अपने आई शेडो को। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसकी मदद से हम यहाँ पे एक कट क्रीज ड्रॉ करेंगे, फुल कट क्रीज ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ कि कहाँ तक मुझे अपनी कट क्रीज को ड्रॉ करना है और आपको ये काम बहुत ही टाइम देख के आपको करना है। तो यहाँ पे हमारी कट क्रीज क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपनी पूरी जो आईलिड एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे कंसीलर की मदद से। और कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए आपको एक थिन पतला सा फ्लैट ब्रश की ज़रूरत होगी, तो उसके हेल्प से काफ़ी इजीली आपकी कट क्रीज ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद कट क्रीज को मैं सेट करने के लिए पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेबलिन का जेल आईलाइनर लिया है इन द शेड ब्लैक। इसके हेल्प से मैं यहाँ पे अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से वी टाइप में मैं यहाँ पे वो जेल आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ। आप इसके बजाय आप ब्लैक आई शेडो को भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद इसी सेम पैलेट में से ये मैंने गोल्डन शेड लिया, ये लाइट गोल्डन शेड है। तो यहाँ पे मैं अपने पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कोई भी आई शेडो नहीं अप्लाई किया था। एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं यहाँ पे आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ये मैंने जो कॉपर शेड में जो गोल्डन शेड है उसी को मैं अपने सेंटर आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि और गोल्डन वाला लुक मिले हमारे आईलिड पे। उसके बाद थोड़ा आउटर कॉर्नर के तरफ से मैं अपने आईलाइनर को, जो मैंने ब्लैक आईलाइनर अप्लाई किया था, उसको अच्छे से शार्प दिखा रही हूँ। सेम जेल आईलाइनर की हेल्प से मैं अपने एज अ काजल अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं थिक काजल अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेम जेल आईलाइनर की हेल्प से यहाँ पे मैं आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बेसिक सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये गोल्डन ग्लिटर लिया है क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल है, तो इसके लिए मैंने इस लुक को ग्लैम बनाने के लिए थोड़ा सा ग्लिटर एड ऑन किया है। और अब मैं यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर पे इनर वी बना रही हूँ इस तरीके से। तो ये ऑप्शनल है लेकिन इससे अप्लाई करने से आपकी आईज़ में काफ़ी चेंजेस हो जाता है, आपकी आईज़ एक अलग ही लेवल का मेकअप हो जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये शिमर डस्ट लिया है, इसके हेल्प से मैं यहाँ पे एक आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एज अ आईलाइनर। तो इसको मैंने मेकअप फिक्सर में मिक्स करके अप्लाई किया था। उसके बाद अपने लोअर लैश लाइन पे मैं ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ तो ताकि हमारा आई मेकअप बैलेंस लगे। फिर उसके बाद ये जो शिमर शेड है, सिल्वर शिमर शेड, उसके हेल्प से मैं अपने ब्रोबोन को अच्छे से मैं हाईलाइट कर दूंगी। तो ब्रोबोन को हाईलाइट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपकी आई मेकअप काफ़ी लिफ्टेड दिखती है और आपका मेकअप काफ़ी उठ के दिखता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मास्क का मस्कारा अप्लाई किया, जो मस्कारा मैं आपको दिखाना भूल गई। तो यहाँ पे मैं हम मस्कारा अप्लाई करेंगे और जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।